हमारे सामने जो बप्पा है वो 12 फीट के हैं और इन्हें ले जाने के लिए नीचे व्हील भी लगाए गए हैं, और साथ ही साथ आप देखेंगे तो इनके शीश पर मुकुट पर श्री राम जी बनाए जा रहे हैं। इतनी बारिश हो रही है इस बार नागपुर में, उसके साथ मूर्तियां बनाना और साथ ही साथ उन्हें बारिश से बचाना। ये गणपति बप्पा को धोती पहनाई जा रही है। धोती पहनाना कोई आसान काम नहीं है, मैं बहुत देर से इस प्रोसेस को देख रही हूँ यहाँ पे। ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है और ये टास्क यहाँ बखूबी निभाया जा रहा है। और गणपति भगवान की धोतियाँ बहुत सुंदर तरीके से पहनाई जा रही है। धोती पहना के जब कंप्लीट हो जाती है तब वो ऐसा लुक देती है, और हम इनके जब कलर्स होंगे तब भी इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने हो रहा है बप्पा को स्प्रे से कलर। ये देखिए यहाँ गणपति बप्पा की बाकी की जो कलरिंग चालू है वो हो रही है। दोस्तों देखिए यहाँ ये बप्पा की मूर्ति कंप्लीट हो चुकी है, और ये जेजोरी महाराष्ट्र के खंडोबा है। हो चुके हैं इनकी ज्वेलरी, इनका ड्रेस, इनके कलर्स। और साथ ही साथ ऊपर देखिए बाकी के बप्पाओं के काम शुरू है। बप्पा की आंखें तैयार की जा रही हैं। बप्पा जब जाते हैं तब भक्तजन बप्पा को ले जाने के पहले भी पूजा करते हैं।
हमने बहुत सारे गणपति बप्पा देखे जिनका निर्माण होते हुए देखा, साथ ही साथ आरती और पूजा के साथ उनको ले जाते हुए देखा उनके पंडालों के लिए, और ये गणपति बप्पा भी पूरे कंप्लीट हैं, थोड़ी देर में यहाँ से चले जाएंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मैं वैशाली साइनिंग ऑफ, बाय बाय।